सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम कयादत ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इजलास में तमाम जमातों ने फैसले का इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और एएनपी को पार्लियामेंट में साथ मिलाया जाएगा। इजलास में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सिद्दीक साजिद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, आगाह कीजिएगा क्या फैसले के इस अहम इजलास में। जी, ये पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो गुज़श्ता चार घंटे से जारी है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर तफसीली मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा पीडीएम में शामिल करने से मुतल्लिक तमाम फैसलों का इख्तियार मौलाना फजल रहमान को दे दिया है। अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और एएनपी को साथ मिलाकर बजट इजलास के दौरान शदीद एहतजाज और हंगामा अराई की हिकमत अमली को तय की गई है और यह भी कहा गया है कि सेंट और कौमी असम्बली में तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर अपना किरदार अदा करें। बजट इजलास के मौका पर मुखालफत जो है वो बजट की जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत जाली अदादोशुमार के जरिए अवाम को जो है वो धोखा दे रही है और इसको भरपूर तरीके से बेनकाब किया जाएगा। इजलास में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मलिक नवाज नवाशी जो है वो वीडियो लेंगे हैं, अख्तर महंगे वीडियो लेंगे हैं, इसके अलावा महमूद अचल गई, आफ्ताब शेरपा, दीगर जमातों के जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद है। जी ठीक है, सिद्दीक साजिद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इजलास से मुतालिक बहुत शुक्रिया आपका।